Assalamu alaikum everyone, my name is Gulizara, here to break a new server breakdown session courtesy of the KIPP CSS network. I hope that this video reaches you in good health and spirits. So for today, what we are going to be discussing are not just one, but two natural disasters, or one natural disaster, I would say, that has been affecting the world along with the coronavirus pandemic. That is the plague of locusts that have started in from Africa and are now spreading across the world. सो बेसिकली लोकस्ट होते क्या हैं, ठीक है, जिसको हम आम जबान में टिड्डी दल कहते हैं, विच इज़ अ वेरी आई थिंक फनी नेम, बट देन अगेन इट इज़ अ दल, ठीक है, क्योंकि एक स्वार्म होता है ऑफ क्रॉप ग्रीनरी ईटिंग इंसेक्ट्स, ठीक है, दे यूजली फीड ऑन ग्रीन वेजिटेशन, और लोकस्ट सीजन्स होते हैं बेसिकली. लेकिन एज ऑफ राइट नाउ the kind of plague, the locust plague that we are seeing, जो इसका size है, it is unprecedented. क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जो है ये किस तरह ये जो है वो बढ़ता चला गया, how it started off and why we haven't heard about the टिड्डी दल beforehand, ठीक है, इसके बारे में जो है वो अगर हम बात करते हैं तो we have to take into consideration one very important thing. So, जो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव एस्टिमेटेड दैट अबाउट दैट दे हैव किल्ड अबाउट 450 बिलियन लोकस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ जनवरी. और यूजली द फूड द FAO इज एक्सट्रीमली विच इज द फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी, दे आर एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव इन ट्राइंग टू कॉम्बैट दिस प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होती है, तो द मीना विच इज द मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड मिडल ईस्ट, ठीक है, यह आपके पास सबसे पहला ब्रीडिंग ग्राउंड जो इन कंट्रीज का आता है, जो इन लोकस्ट के लिए आता है, दैट इज यमन एंड लिबिया, ठीक है. तो जब यमन एंड लिबिया की अगर हम बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन देयर, बिकॉज द कोरोना वायरस लॉकडाउन, जो इक्विपमेंट, स्प्रेइंग इक्विपमेंट, पेस्टिसाइड इक्विपमेंट जो के इस्तेमाल किया जाता था इन ट्राइंग टू कॉम्बैट द राइज ऑफ दिस लोकसेस, दैट कुड नॉट रीच ओवर देयर इन टाइम. और अगर वहां पहुंचा भी है, ये ऑलरेडी जो उनके पास मौजूद है सिस्टम्स, ठीक है, दे आर नॉट इनफ. एक वॉर जोन के अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो दिस इज लिटरली नॉट इनफ कि आप जो है वो कुछ इक्विपमेंट के साथ या थोड़े से इक्विपमेंट के साथ जो है वो उनको कॉम्बैट कर सके. सो यहां से आपके पास बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स दैट यमन हैज सीन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, वी हैव हैड डेंस लश वेजिटेशन, एंड दैट वॉज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द लोकसेस. और सिंस जो है आपके पास कोई प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो यमन या लिबिया में नहीं लिए जा सकते थे बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकॉज द कोरोना वायरस, वट वी सॉ इज द राइज ऑफ दिस ह्यूज स्वार्म ऑफ लोकसेस, जो कि जिसमें से एक बैच हैज बीन रिकॉर्डेड टू बी अबाउट 1 किलोमीटर स्वाच. स्वाच का मतलब है कि एक फैलाव में अगर उसको देखा जाए तो उसकी एक अद्दा जो है जो कि साइटिंग देखी गई है, जिसको रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, दिस दैट इज अबाउट 1 किलोमीटर. सो एक 1 किलोमीटर का जो स्वाच है ऑफ लोकसेस कैन ईट अप टू एज मच एज अबाउट 35,000 पीपल 1 किलोमीटर का स्वाच, ठीक है. जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ हैवक दे वुड provoke or bring about on crops, ठीक है. So अगर हम बात करते हैं about the locusts and what the FAO is doing, ठीक है, तो the FAO is always very proactive. I've also said that they have been very proactive. They are usually combating it beforehand, but because the coronavirus pandemic, their hands are effectively tied, ठीक है. And now this has moved on from the MENA, which is the Middle East extended, which is also called as the extended Middle East, into North Africa. It is now these swarms are now in this second phase of breeding. Okay, they have moved across to North Africa, and they are laying devastation in Somalia, Sudan, okay, Kenya. And what the FAO is saying actually, and the UN also, is that if this swarm is not controlled, then it would affect more than 23 countries all over the world.
अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो लोगों से इसके ऊपर एज सच मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कोई इतनी खास बात नहीं हुई है, लेकिन वाजिया रहे कि लोकसेस हैव ऑलवेज बीन इंडेमिक इनसाइड द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है. और जो लोकस अटैक है उसकी वजह से जो आपके पास डिवेस्टेशन आती है दैट इज गोइंग टू बी अनटोल्ड. क्योंकि एक तो आप बात करते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक आपके पास एक इकोनॉमिक लॉकडाउन है, ठीक है, और उस इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से लोगों की रोजी रोटी जो है वो काफी हद तक बंद हो चुकी हुई है. नाउ बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक आपके पास मजीद खदशात हैं, ठीक है, कि इफ द लोकसेस आर एबल टू ले डिवेस्टेशन टू पाकिस्तान क्रॉप्स विच दे ऑलरेडी हैव, इट इज जस्ट नॉट बीइंग मेंशन, इट ऑलरेडी हैज. अगर कीनिया के अंदर आपके पास जो है वो डिवेस्टेशन इस हद तक है दैट दे हैव दैट दीज लोकसेस हैव ईटन अप इवन काउ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ठीक है, खड़ी वीट फील्ड एकर्स अपॉन एकर्स हैव बीन डिवेस्टेटेड. तो पाकिस्तान कैसे नहीं जो है वो इस तबाही से बच सकता. पाकिस्तान इज डेफिनेटली इफेक्टेड बट एज ऑफ राइट नाउ आपके पास कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है, आपके पास ऐसा खबर नहीं है, ठीक है. बट अब ये हमें तब नजर आएगा जब आपके पास जो है वो हार्वेस्ट कंप्लीट होगी एंड वेन आपके पास यील्ड टैली होंगी देन वी विल नो द कॉस्ट ऑफ द लोकस्ट स्वाम, ठीक है. सो जो मिलिसा विलियम्स हैं, ठीक है, शी इज द हेड ऑफ द रूरल प्लानिंग इन द एफएओ. शी सेज दैट इफ द लोकसेस आर नॉट कंटेन्ड, इफ दे आर नॉट कंटेन्ड ऑन टाइम, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू बी सीइंग राइट नाउ इज दैट मिलियंस अपॉन मिलियंस पॉसिबली बिलियंस ऑफ पीपल वुड गो हंग्री. और आपके पास जो एक ऑलरेडी फूड क्राइसिस एक्सेसबेट हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड ऑलमोस्ट मल्टीपल फोल्ड, ठीक है. सो मजीद अगर हम बात करते हैं कि जो है वो एज पर यूजुअल जो है जो बात मैंने पहले की थी कि यमन इज यूजली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, लेकिन बिकॉज द पेंडेमिक दैट कुड नॉट हैपन. सो ऑफ पेंडेमिक्स एंड प्लेग्स, ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ प्लेग जो कि हमने अभी तक जो है वो वी हैवंट सीन इट इन द पास्ट 50 इयर्स और सो, ठीक है. द लास्ट प्लेग पेंडेमिक दैट सूडान सॉ, द लोकस्ट प्लेग पेंडेमिक दैट सूडान सॉ वाज 60 इयर्स बिफोर एंड व्हाट और जो कीनिया ने देखा था दैट वाज नियरली 70 इयर्स अगो, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस प्लेग पेंडेमिक आपके पास एक तो ऑलरेडी आप समझे कि लोगों का मोरल बहुत डाउन है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेग पेंडेमिक व्हाट वी आर गोइंग टू बी सीइंग इज दैट ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशंस इज हद तक डिफिकल्ट है और फिर साथ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज दैट देर आर गोइंग टू बी मोर प्रॉब्लम्स फॉर पीपल ट्राइंग टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है. So in conclusion, I would like to say that this is an issue that has not been addressed as of right now. ठीक है, मच क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता है कि लोग चीजें अंदर रिपोर्ट करने की बहुत टेंडेंसी है, लेकिन द FAO इज एक्सट्रीमली वरिड. इट हैज फेस्ड अ शॉर्ट फॉल ऑफ अबाउट $103 million इन फंडिंग, ठीक है, और इस फंडिंग की लैक की वजह से द FAO सेज दैट इट माइट नॉट बी एबल टू कम्बैट द पेंडेमिक टू कम्बैट द प्लेग एज इज एंड बी एबल टू हेल्प पीपल ट्राइंग टू यू नो सर्वाइव द प्लेग, ठीक है. एज ऑफ राइट नाउ कीनिया हैज एस्केप्ड विद मिनिमल डैमेज बट इन सूडान इन सोमालिया वी हैव हैड रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग वीट क्रॉप्स एंड कॉटन क्रॉप्स एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड एंड डेसिमेटेड बाय दिस लोकस्ट स्वॉर्म. सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, इट इज नॉट अ पेंडेमिक, ठीक है, लेकिन इसकी डिवेस्टेशन इज गोइंग टू बी अनटोल्ड क्योंकि कपल्ड विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस वॉज इनलाइटनिंग फॉर यू. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.